हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। पहले सबसे पहले हम लोग कल की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं उनका MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैड अप्रूव्ड US $3 million अबाउट ₹22 crore ग्रांट टू इंडिया फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड टू फर्दर सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू COVID-19 फाइनेंस्ड बाय जापानीज गवर्नमेंट। ये बात कर रहे हैं कि ये जो कॉकेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने US $3 million या टू इंडियन रुपीज़ 22 crore रुपीज़ ये ग्रांट की है इंडिया को COVID-19 से लड़ने के लिए। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB है, जिसने ग्रांट किया है $3 million इंडिया को, कि जिससे कि COVID-19 से एज अ रिस्पॉन्स फंड फॉर द COVID-19। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाल ही में अपना कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन है, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिससे कि ये लोग $100 million जो है इसको फंड को लगा सकें एक जॉइंट प्रोजेक्ट में। ये किसके लिए था, जो भी आउट ऑफ द स्कूल या एट रिस्क स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फंड लगाने की बात कही थी। इसके लिए ADB ने एग्रीमेंट किया था कतर बेस्ड एक एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन है उसके साथ। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है इंडिया को लोअर मिडिल इनकम में। इन्होंने बेसिकली चार हेड्स में कंट्रीज़ को क्लासिफाई किया था और वर्ल्ड बैंक ने अब इंडिया को लोअर मिडिल इनकम में क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड बैंक ने एनहैंस्ड द सपोर्ट टू इंडिया, इन्होंने इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इन गंगा रेजुविनेशन प्रोग्राम के लिए। इसके लिए इन्होंने $400 million दिया है फॉर गंगा रेजुविनेशन प्रोग्राम थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के थ्रू। वर्ल्ड बैंक ने $400 million दिए हैं, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंडिया के गंगा रेजुविनेशन प्रोग्राम को। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इन्होंने $500 million जो है अप्रूव किया है, लोन अप्रूव किया है $500 million का, इसलिए जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सके फॉर अंडर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजर्व्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव किया है $500 million का। और AIIB की बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को ने अभी रिसीव किया है पहला ट्रांच ऑफ $50 million। ये बात ये थी कि टोटल $100 million का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन आना था AIIB से, इसमें पहला ट्रांच जो है $50 million का रिसीव कर लिया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने। अच्छा, 5th annual मीटिंग रही थी AIIB बोर्ड की, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग रही थी, जिसमें इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमन ने जो है पार्टिसिपेट किया था। हु इज़ निर्मला सीतारमन? निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही हैं और ये राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस ट्रोजो, ये बिल्कुल अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये ब्राज़ील से हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या है प्रेसिडेंट है, नाम है मार्कोस ट्रोजो। ग्रीन AG, अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विच एम्स टू कैटलाइज सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स इनकम वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ग्रीन AG ये एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, और ये जो है किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया मिजोरम में। इसको कहाँ लॉन्च किया गया, मिजोरम में ग्रीन AG प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। मिजोरम ने पहला ऐसा स्टेट रहा ने जो है स्पोर्ट्स को स्टेटस दिया है, जो है ये स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है मिजोरम ने, और ये करने वाला ये पहला स्टेट रहा। और मणिपुर की बात करें, तो एक वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है संजीता चानू, और ये मणिपुर से हैं। इनको डोपिंग चार्जेस के चलते बैन कर दिया गया था, अब इनको जो है रिलीज कर दिया गया, बरी कर दिया गया है, और इनको 2018 अर्जुन अवार्ड के लिए जो है डिसीजन इनको देने का डिसाइड हुआ था। और ये कहाँ थे, मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टर हैं, नाम है के संजीता चानू। त्रिपुरा की बात करें, तो अभी हाल ही में त्रिपुरा की जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की थी, जिसका एक स्कीम उनमें से है एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम है। इस स्कीम का नाम है एक तू खेलो एक तू पढ़ो। और एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी जिसका नाम है, इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ये तो पुरानी है, एक तू खेलो एक तू पढ़ो है, और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, ये भी त्रिपुरा की ही योजना है। आसाम की अगर हम लोग बात करते हैं,
मणिपुर का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम लोग असम की बात करें तो अभी डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क न्यूज़ में था, ये भी असम का है। देहिंग पटकाय एलिफेंट रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की बात की गई थी, ये भी कहाँ है, असम में। और पोबा फॉरेस्ट रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने का अनाउंसमेंट किया था चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये भी कहाँ है, असम में ही है। असम के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है जगदीश मुखी। इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 29 को मनाते हैं हम इंटरनेशनल टाइगर्स डे। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन हुआ था, हैज़ बीन साइन बिटवीन UK इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC एंड इंडियन एक्सटर्नल ब्यूरो इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये बेसिकली MOU साइन हुआ था UK इंडिया बिजनेस काउंसिल और इंडस्ट्रियल एक्सटर्नल ब्यूरो इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट, और ये इस स्टेट के माइंस डिपार्टमेंट के साथ साइन किया गया था, जिससे कि जो भी बिजनेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको और ज्यादा स्पीड अप करा जा सके, तेजी से करा जा सके। तो इसके लिए UKIBC ने जो है इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात के साथ MOU साइन किया था। अच्छा, अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो एट वन क्लिक एक इनिशिएटिव है, और ये कहाँ का है, एट वन क्लिक इनिशिएटिव ये भी गुजरात का है। और गुजरात में जो है लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने क्या किया है, टॉप किया है किसमें, एक तो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 है उसमें भी टॉप किया है, एक ट्यूबरक्लोसिस जो है रिपोर्ट, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई थी उसमें भी गुजरात ने ही लार्ज स्टेट्स में टॉप किया, उसमें भी गुजरात ने क्या किया है, लार्ज स्टेट्स में इसमें जो है गुजरात ने टॉप किया है। अच्छा, अभी हाल ही में गुजरात में ही गुजरात के आनंद में नेशनल हनी टेस्टिंग लैब, फर्स्ट नेशनल हनी टेस्टिंग लैब इसको जो है इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ इसका इनॉग्रेशन हुआ, गुजरात के आनंद में इसका इनॉग्रेशन किया गया। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मी अन्नपूर्णा योजना भी यहाँ की है, एयर वेंटी ऐप भी यहाँ का है। अभी हाल ही में स्ट्रेस फंड के जो है महाराष्ट्र के लिए जो स्ट्रेस फंड के लिए SBI के साथ, महाराष्ट्र के स्ट्रेस फंड ने SBI के साथ जो है पार्टनरशिप की थी। और बात करें, प्रोजेक्ट प्लैटना भी महाराष्ट्र का है, महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र का है, महा परवाना भी महाराष्ट्र का, नीला सत्यनारायणन इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये पहली विमेन इलेक्शन कमिश्नर थी कहाँ की, महाराष्ट्र की। और अभी सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने लॉन्च किया है चेक इन मास्टर ऐप, इसको किसने लॉन्च किया, सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अजॉय मेहता को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे, सेक्रेटरी टू CM, और संजय कुमार को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे इनका नाम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी भारतीय एक्शन ने बहुत ज़रूरी है कैंपेन चलाई थी, यहाँ के फार्मर्स के लिए कैंपेन चलाई थी, कर्नाटका और महाराष्ट्र के फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ये कैंपेन चलाई गई थी, नाम है बहुत ज़रूरी, और भारतीय एक्शन ने इसको लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने की जो स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश की है, और हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और इंतज़ार आपका मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था, इसका नाम है इंतज़ार आपका। और मध्य प्रदेश ने क्या क्या किया था, FIR आपके द्वार दीदी व्हीकल चरण पाद का माइग्रेशन कमीशन एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट रोजगार सेतु मिड डे मील राशन प्रोवाइड किया था इन्होंने, पहला स्टेट बना था, थैंक फॉर्म प्लांटेशन ड्राइव, ये सब मध्य प्रदेश ने किया था। और जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स रहे हैं उनको जो है 5,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। 750 मेगावाट का पावर प्लांट एक इनॉग्रेट करने मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के रेवा में। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना स्टेटस देने की बात भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही की है। एक 1.7 मेगावाट का जो है कह सकते हैं सोलर पावर प्लांट जो है इसको भी सेटअप किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, इंडियन रेलवे ने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है BHEL के साथ। और ये कहाँ हुआ है, ये इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ है इन द रेलवे ट्रैक्स नियर बीना मध्य प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश के पास इसका जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या है, सोलर पावर प्लांट है एक 1.7 मेगावाट का। यहाँ पे लालजी टंडन यहाँ के जो है राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया, और अब आनंदीबेन पटेल ऑफिशियली एज अ राज्यपाल कार्यभार संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट में जो स्कीम चलाई थी वो है नवीन रोजगार छतरी योजना, ये उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश की है, फ्लैटर फैक्ट्री मॉडल उत्तर प्रदेश का, स्टार्टअप फंड स्टार्टअप पॉलिसी ये भी उत्तर प्रदेश की है, और मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश में चला गया। उत्तर प्रदेश से टॉप किया था इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में भी उत्तर प्रदेश में ने इसमें क्या किया था, टॉप किया था।
चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं, गवर्नर कौन है यहाँ की, आनंदीबेन पटेल, दोनों जगह की गवर्नर है, मध्य प्रदेश की भी और उत्तर प्रदेश की भी। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बाय पवन हंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट में हरदीप सिंह पुरी ने पहला हेलीकॉप्टर सर्विस को फ्लैग ऑफ किया था, वो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड उस स्टेट का नाम। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो होप पोर्टल भी यहाँ का है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यानी कि लिचन पार्क भी यहीं पर अभी हाल ही में यहीं लॉन्च हुआ, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में ही इसको लॉन्च किया गया। और गारसेन को समर कैपिटल इन्होंने डिक्लेयर किया ऑफिशियली। और हरेला फेस्टिवल ये भी कहाँ होता है, उत्तराखंड में ही होता है। और इस दिन क्या किया गया, स्मृति वन को जो है स्मृति वन को लॉन्च किया गया, स्मृति वन को इनॉग्रेट किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, किनके ऑनर में, ये फोक सिंगर हैं उत्तराखंड के लेट जीत सिंह नेगी, और इन्हीं के सम्मान में ये जो स्मृति वन है इसका इनॉग्रेशन किया उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसका इनॉग्रेशन किया। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें सीएम की, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड कंट्रीज लीडिंग NBFC साइंड एन अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, और इन्होंने क्या किया है अभी हाल ही में, किसके साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि ट्रेनिंग रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया जा सके स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में। और ये जो है इसके लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IIT कानपुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा, IIT कानपुर में ने अभी हाल ही में शुद्ध डेवलप किया है IIT कानपुर ने, और मोबाइल मास्टर जी भी IIT कानपुर ने ही डेवलप किया है हाल ही में। IIT रोपर यंग द टाइम्स इंडिया यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में इंडियन यूनिवर्सिटीज में दो ही यूनिवर्सिटी टॉप में थी, एक थी IIT रोपर और दूसरी थी IIT इंदौर, तो IIT रोपर ने इसमें टॉप किया, टॉप टू में है IIT रोपर एंड IIT इंदौर फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, जिसमें टॉप किया इंडियन यूनिवर्सिटीज में IIT रोपर ने। और जो ग्लोबली जिस यूनिवर्सिटी में टॉप किया वो है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IIT रुड़की ने यूनिसेवियर बॉक्स इसको डेवलप किया है हाल ही में। Which of the following is the ferry that has won the prestigious Gustave Trove Award for Excellence in Electric Boats and Boating? Excellence in Electric Boat and Boating के लिए Gustave Trove Award किसको मिला है, तो ये है, इस फेरी का नाम है आदित्य, इस फेरी का नाम है। Who have been appointed as the new CEO and director of Microfinance Institution Network? MFIN के नए CEO के रूप में और डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, वो है डॉक्टर आलोक मिश्रा, इनका नाम है डॉक्टर आलोक मिश्रा। अच्छा, बात करें नवीन तहिल यानी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ हाल ही में, कहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ, ही हैज बीन अपॉइंटेड टू द अमेरिकन इंटरनेशनल अश्योरेंस के जो है ये एज द MD & CEO अपॉइंट हुए हैं, और इनका नाम है नवीन तहिल यानी। साहिल सेठ कौन है, साहिल सेठ को इनको ऑनरी एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया, किसके ऑनरी एडवाइज़र के, एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स की स्टीयरिंग कमेटी के ऑनरी एडवाइज़र के रूप में साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया। आर नारायण स्वामी ये कौन है, इनको ये इन्होंने चेयरमैन थे ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी की एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उसके टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी कमेटी बनी थी जिसके टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे आर नारायण स्वामी। तो ये सब कहीं ना कहीं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं। India began the reconstruction of a 300-year-old temple, Sri Sri Joya Kali Matar Temple in which of the following countries? Static point of view is important है, ये इंडियन असिस्टेंस से ही ये टेम्पल का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, 300 साल पुराना टेम्पल है, टेम्पल का नाम इंपॉर्टेंट बनता है श्री श्री जोया काली मातर टेम्पल, और ये कहाँ पे भी इसको इसका रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, बांग्लादेश में इसका रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। अच्छा, बांग्लादेश की बात की जाए, अभी इंडिया ने स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव इसको हैंडओवर किया है, इंडियन रेलवे ने किसको, बांग्लादेश को ये हैंडओवर किया, क्या हैंडओवर किया है, स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव हैंडओवर किया है इंडियन रेलवे ने बांग्लादेश को। तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। श्रीलंका की बात करते हैं तो अभी हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप पैक्ट इसको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ इसको ये पैक्ट को साइन किया है $400 मिलियन का। और इंडिया श्रीलंका में ही सोलर पावर प्लांट
प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रही है हाल ही में। अफगानिस्तान की बात करें तो 5 एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया अफगानिस्तान के साथ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फॉर द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 4 अफगान प्रोविंसेस, 4 अफगान प्रोविंसेस के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है, 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर, 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये साइन किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या होता है, बांग्लादेश का कैपिटल होता है ढाका, करेंसी होती है टका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन, ये किस दिन मनाया जाता है, मनाया जाता है 28 ऑफ जुलाई को। इस दिन की थीम थी 2020 हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। डैश डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हैव इनोग्रेटेड फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट बंदीकूट टू एंश्योर मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट टू क्लीन द सीवर्स, जिसे सीवर्स क्लीन करने के लिए कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो, इसके लिए बंदीकूट ये क्या है, ये पहला मैन होल क्लीनिंग रोबोट डेवलप किया है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पहली सिटी रही जिसने ये डेवलप किया था, और वैसे ओवरऑल 3 सिटी, ये थर्ड सिटी है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की फर्स्ट सिटी है। ये कौन सी सिटी, कहाँ के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने इसको इनोग्रेट किया था, तो गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने इसको जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। हु इज अमंग द 13 ऑथर्स लॉन्ग लिस्टेड फॉर प्रेस्टीजियस 2020 बुकर प्राइज फॉर हर डेब्यू नॉवल बर्न्ट शुगर, इनकी डेब्यू नॉवल है बर्न्ट शुगर, और इसके लिए जो है ये 13 लोगों में इनको 13 ऑथर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस लॉन्ग लिस्ट में इनको रखा गया है, जिससे फॉर प्रेस्टीजियस 2020 बुकर प्राइज के लिए। और ये किसकी बुक है, नाम है बर्न्ट शुगर, ये बुक है अवनी दोषी, दुबई बेस्ड इंडियन है ये ऑथर, ये इनका नाम है अवनी दोषी। अच्छा, कृतिका पांडे को हाल ही में कॉमनवेल्थ अवार्ड ओवरऑल कैटेगरी मिला, इससे पहले रीजनल कैटेगरी में भी इनको मिल चुका है, तो कॉमनवेल्थ अवार्ड ओवरऑल कैटेगरी में इनको मिला अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। रूपा श्री कुमार और इनके जो इनके हस्बैंड हैं श्री, इनका नाम है AK श्री कुमार, इन लोगों ने क्या मिलकर एक बुक लिखी थी, दो लोग हैं रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार, ये और ये जो है अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, और इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी महावीर, महावीर करके इनकी एक बुक थी हाल ही में, इन्होंने वो बुक लिखी हुई थी, और ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है ये सारी, ये जितनी भी न्यूज़ मैंने बताई ऑप्शन से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट हैं ये। Which of the following district has topped the list of aspirational district ranked by government think tank Niti Aayog for February to June 2020? February to June 2020 के लिए ऐसी कौन सी district है जिसने aspirational district में top rank की है, topped मतलब कि top किया है इस list में, और ये list नीति आयोग ने जारी की थी February June 2020 period के लिए, February to June 2020 के लिए ये list जारी की गई थी by नीति आयोग, और इसमें जिसने top किया वो है बीजापुर district of छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ये district है, नाम है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इन्होंने ही क्या किया है टॉप किया है इस लिस्ट में, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट थी, ये लिस्ट किसकी थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ये लिस्ट रही थी, और इसमें टॉप किया है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, हम लोग अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने हाल ही में क्या किया है, जो भी जो ये रोड्स वगैरह होती हैं उनको क्या किया है, रोड्स का जो रोड और क्रॉसिंग है उनका अपने कुछ रोड और क्रॉसिंग का नाम लालजी टंडन के नाम के बाद रखा है, उनको एज अ ऑनर करने के लिए जो अपनी रोड्स हैं उनको लालजी टंडन के नाम के बाद उनको रखा गया है रोड्स को और क्रॉसिंग के नाम। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे अभी, तो छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ की, स्पंदन कैंपेन भी छत्तीसगढ़ की है, और आदर्श पुलिस स्टेशन योजना चलाने की बात भी छत्तीसगढ़ पुलिस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही की है। आनंद में जैसे कि मैंने बताया था कि क्या लॉन्च हुआ है, पहला नेशनल हनी टेस्टिंग लैब, फर्स्ट नेशनल हनी टेस्टिंग लैब, इसका इनॉग्रेशन इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है गुजरात के आनंद में, और इसका इनॉग्रेशन किया किसने है, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको इनॉग्रेशन किया है, ये पहली हनी टेस्टिंग लैब रही है, और इसको सेटअप किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और हरियाणा के पंचकुला में क्या होगा, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये पंचकुला हरियाणा के पंचकुला में ये होगा, हरियाणा होस्ट कर रहा है फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग
हैज़ लॉन्च्ड फैमिली सेफ्टी ऐप डिज़ाइन टू हेल्प प्रोटेक्ट अ फैमिली डिजिटल एंड फिजिकल सेफ्टी। किसने फैमिली सेफ्टी ऐप को जो है लॉन्च किया है, किस कहते हैं टेक्नोलॉजी जायंट ने इसको लॉन्च किया है जिससे कि फैमिली डिजिटल और फिजिकल सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसको लॉन्च करने वाला जो टेक्नोलॉजिकल जायंट है, टेक्निकल जायंट है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। अभी हाल ही में सोडार ऐप इसको लॉन्च किया था गूगल ने। सोडार ऐप को किसको लॉन्च किया था? सोडार ऐप को लॉन्च किया था गूगल ने। और अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने COVID-19 से लड़ने के लिए IIT तिरुपति और फेसबुक के साथ जो है एग्रीमेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग द 10 स्मार्ट सिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आफ्टर इट स्केल्ड फ्रॉम 76 टू 54 इन द नेशनल रैंकिंग्स ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। अच्छा, नेशनल रैंकिंग साइट थी 100 स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया की, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिस सिटी ने टॉप किया है वो रही थी अगरतला। ये त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको किस जो है स्टेट ने लॉन्च किया है, ये स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो इसको केरला ने लॉन्च किया है। के शैलजा हैं केरला की हेल्थ मिनिस्टर, इनको यूनाइटेड नेशंस ने ऑनर किया था COVID-19 से टैकल करने के लिए। और केरला ने एक इनका ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी चलाया था, और केफॉन प्रोजेक्ट केरला ने ही इसको लॉन्च किया था। केफॉन प्रोजेक्ट, इसमें इसके तहत जो BPL फैमिलीज हैं उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा देने की बात कही। केरला गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इंटरनेट सर्विसेज को क्या किया है, इन्होंने इंटरनेट सर्विसेज को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा है। हम लोग अगर बात करते हैं, और फर्स्ट बेल इनिशिएटिव भी केरला का है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने अभी वीवर समान योजना चलाई थी, और कर्नाटका ने क्या क्या किया था? वीवर समान योजना चलाई थी, स्किल कनेक्ट फोरम चलाया था, और किती घनाली ले कर्नाटका में ही, और उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 लाख का जो है फाइन लगाया क्योंकि यहाँ पे ओवर पॉल्यूशन हो रहा था। फर्स्ट स्टेट कर्नाटका रहा जिसने अमेंड किया इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल एंड इंडस्ट्रीज को, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020 to 2025 ये भी लाए हैं कर्नाटका गवर्नमेंट ही इसको लाई है, इसको भी कर्नाटका गवर्नमेंट लाई है। और अभी भारतीय अक्सर, जैसे कि मैंने बताया, भारतीय अक्सर ने बहुत ज़रूरी है कैंपेन चलाई फॉर द फार्मर्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटका और मेक संदेश आप और वरुण मिस पोर्टर कर्नाटका का है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु ने हाल ही में टॉप जो है रहा था मार्केट बोरोइंग्स में, ये स्टेट रहा था टॉप, तमिलनाडु ने टॉप किया था मार्केट बोरोइंग्स में। और तमिलनाडु ने हाल ही में स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे भी मनाया, और ये किसकी याद में मनाया गया था? ये एज अ ऑनर 117th तमिलनाडु के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे K. Kamaraj जी, और इन्हीं की 117वीं बर्थडे के याद बर्थडे पे इस स्टेट का एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया जाता है। जी आकाश 66 ग्रैंड मास्टर रहे, और ये भी जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई से हैं। टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश करने की बात हो रही है तमिलनाडु में ही। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इसका इनॉग्रेशन किया था इडापड्डी के पलानास्वामी और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था तमिलनाडु के नमक्कल में। और तमिलनाडु अभी की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इडापड्डी के पलानास्वामी, और रोटरी फाउंडेशन की रोटरी इंटरनेशनल जो है ये हेडक्वार्टर्ड है शिकागो में, और इन्होंने ऑनर किया है इडापड्डी के पलानास्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से। और ये इनको क्या किया, ऑनर किया है पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से ऑनर किया गया इडापड्डी के पलानास्वामी को, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। तेलंगाना की बात किया जाए, कोंडा पोचम्मा जो है सागर प्रोजेक्ट तेलंगाना का है, साइबर कैंपेन तेलंगाना का है, और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग भी मिला। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 11 मेंबर कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा फॉर द 2021 सीजन वेर द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इन्होंने क्या किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 11 मेंबर कॉमनवेल्थ 11 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक 11 मेंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसका कॉन्स्टिट्यूट किया था कमेटी टाइप की, और इसके लिए इसके जो प्रेसिडेंट रहे थे वो थे नरेंद्र बत्रा, और ये 2022-2021 सीजन के लिए इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। और इसका हेडक्वार्टर होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें
नरेंद्र बत्रा की, तो ये FIH के भी प्रेसिडेंट हैं। और कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो मातृ समृष्टि स्नेहरा पोरोश, और मातृ समृष्टि हो गया, स्नेहरा पोरोश हो गया, और प्रोचेष्टा कर्मभूमि, ये सब कहाँ की स्कीम्स हैं, ये सब स्कीम्स हैं वेस्ट बंगाल की। IRCTC एंड SBI कार्ड लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म रिसेंटली। IRCTC ने SBI के साथ SBI कार्ड के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है इसको रुपे प्लेटफॉर्म पे अभी हाल ही में लॉन्च किया। और बात ये की जा रही है कि SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होता है, तो SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम का में क्या है, SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट 5 ऑफ 36 रफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस वर लैंडेड इन अम्बाला इन हरियाणा आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 8500 किलोमीटर टू जॉइन द इंडियन एयर फोर्स। बहुत प्राउड की बात रही इंडिया के लिए। और ये न्यूज़ में भी रहा था कि 36 रफेल फाइटर जेट्स में से पाँच फाइटर जेट्स जो हैं ये इंडिया में आ चुके हैं। फर्स्ट 5 ऑफ 36 रफेल फाइटर जेट्स ये फ्रांस से अब इंडिया में आ चुके हैं। और कहाँ पे, इंडिया में हरियाणा में अम्बाला में इसको जो है लॉन्च किया गया था। फ्रांस से ये आए थे अम्बाला इन हरियाणा, अम्बाला में इसको लैंड किया गया था आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, और कितनी डिस्टेंस कवर करके आए थे, 8500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आते हैं जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकें। चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया वाज एट द स्ट्रैटेजिकली की अम्बाला एयरबेस टू रिसीव द रफेल जेट्स। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया जो है ये कहाँ पे रहे, ये इन्होंने रिसीव किए ये रफेल जेट्स। और इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, ये है RKS भदौरिया। और इंडिया फर्स्ट मेजर एक्विजिशन ऑफ फाइटर प्लेन्स इन ओवर 2 decades। और ये इंडिया का पहला मेजर एक्विजिशन है फाइटर प्लेन्स का 2 decades में। ये ₹59, और ये क्यों आए थे इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री भी मैंने इसमें बताई है। इसमें क्या है, 59,000 crore की डील साइन हुई थी September 23, 2016 को 36 रफेल जेट्स की फ्रेंच एरोस्पेस मेजर डसॉल्ट एविएशन। तो इसके लिए क्या हुआ था, 59,000 crore की डील साइन हुई थी 23 सितंबर 2016 को 36 रफेल जेट्स की, और इन 30 रफेल जेट्स में से 5 जो है रफेल फाइटर जेट्स जो हैं ये इंडिया में फ्रांस से आ चुके हैं। RK चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, इनका नाम है RKS भदौरिया। हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैज़ बिन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। Amidst the rising cases of coronavirus, to combat COVID-19, to by preventing or minimizing the spread of virus, Defence Institute of Advanced Technology (DIA) at Pune has developed ASHRAE, the medical bed isolation system. क्या बात कर रहे हैं कि जिससे कि जैसे कि हम जानते हैं कि दिन पर दिन COVID-19 कोरोना वायरस की केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो अब COVID-19 से बचने के लिए और इसके जो जितना स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर होता है पुणे में, इन्होंने डेवलप किया है ASHRAE। ये एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, नाम है ASHRAE, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसको जो है डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। नरेंद्र मोदी लेट यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 टू ब्रिंग लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स एंड ऑल्सो गेव इट्स नॉट to a proposal to rename the Ministry of Resource Development Ministry of Human Resource Development to Ministry of Education। नरेंद्र मोदी led Union Cabinet, बात यह की जा रही है कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर्स में, काफ़ी बदलाव लाए गए हैं। और अब क्या हुआ है, एक और डिसीजन लिया है यूनियन कैबिनेट ने, इन्होंने क्या किया, रीनेम किया है। अभी तक हम लोग जिसको HRD मिनिस्ट्री का नाम देते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते थे, अब उसका नाम बदल के हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाम बदल के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर द नेशन कम्स आफ्टर अ गैप ऑफ 34 years, ये 34 साल के गैप के बाद ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो है अब ये लाई गई है। इंपॉर्टेंट होता है, रीनेम कर दिया गया है इसको, और
रीनेम करके क्या HRD मिनिस्ट्री का नाम हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग अ सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस इन द कंट्री। जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो भी निवेश से रिलेटेड डिसीजन रहते हैं, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट जो है प्रमोट करने के लिए, उसमें इस ऑब्जेक्टिव के साथ क्या किया इन्होंने, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं ये, नाम है पीयूष, इन्होंने इनॉग्रेट किया CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। और इसका इनॉग्रेशन इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो है किसने इनॉग्रेट किया, इसको इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड पीयूष गोयल ने। और ये रेलवे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और ये राज्यसभा MP हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा MP हैं ये। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है कि ये जो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है ये मुंबई में है, ये भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो है ये अब हो चुका है, और ये बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई में है ये, और ये अनाउंसमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संभाल रहे हैं दीप सिंह पुरी, और इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी यही संभाल रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, और ये राज्यसभा MP हैं उत्तर प्रदेश से। अमिड द कोरोना वायरस पैनडेमिक द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO अलॉन्ग विद अमेसिस इंडिया हैज डेवलप्ड सुरक्षा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉन्टामिनेशन बॉक्स। बोथ UVC लाइट एंड हीट आर यूज इन द बॉक्स एंड इट कैन सैनिटाइज एन ऑब्जेक्ट इन 10 to 15 minutes। बेसिकली एक सुरक्षा, ये एक क्या कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकॉन्टामिनेशन बॉक्स है। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, UVC लाइट, अल्ट्रावायलेट UVC जो है लाइट के थ्रू और हीट के थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको 10 से 15 मिनट के लिए में ये जो ऑब्जेक्ट होंगे इन बॉक्स में वो सैनिटाइज हो जाएंगे। और इसके लिए क्या किसने ये जो सुरक्षा है, ये जो डिकन्टामिनेशन बॉक्स है, इसको किसने डेवलप किया, इसको डेवलप किया सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया MSIS इंडिया के साथ मिलकर। द पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी ऑफ SABIC इन स्पेन इज ऑल सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट टू रन एंटायरली 100% ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। SABIC इज अ ग्लोबल डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया। ये जो SABIC है, SABIC है, ये क्या है, ये एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है, ये बेसिकली केमिकल कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है रियाद सऊदी अरेबिया ने। और इन्होंने क्या किया है, पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी ऑफ SABIC इन स्पेन है, ये स्पेन में इनकी पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी ऑफ SABIC ये जो स्पेन में है ये अब सेटअप करेंगे दुनिया का, ये स्पेन में सेटअप करेंगे दुनिया का पहला लार्ज स्केल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट, केमिकल प्रोडक्शन प्लांट जो कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे ही चलेगा, 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे ही चलेगा। तो ये दुनिया का पहला लार्ज स्केल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट रहेगा और इसको जो है स्पेन में सेटअप किया जाएगा। M. वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली अनवील्ड द पाड़ी भवाजा लालू तेलुगु वर्जन 10 आइडियोलॉजीज बुक ऑथर्ड बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लेट S. जयपाल रेड्डी ऑन द इवेंट ऑफ फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। S. जयपाल रेड्डी हैं ये जो है, इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के दिन क्या किया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M. वेंकैया नायडू, इन्होंने क्या किया है, जो जयपाल रेड्डी जो है, S. जयपाल रेड्डी इनकी बुक थी, इनकी बुक का इंग्लिश वर्जन था 10 आइडियोलॉजीज, अब इसका जो है तेलुगु वर्जन अनवील किया है, तेलुगु वर्जन जो है इसी बुक का इन्होंने लॉन्च किया है, नाम है पाड़ी भवाजालालू, ये नाम है तेलुगु वर्जन लॉन्च किया है, और ये जो है 10 आइडियोलॉजीज का ही तेलुगु वर्जन है और 10 आइडियोलॉजीज का इंग्लिश वर्जन थी। वही बात कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली अनवील पाड़ी भवाजालालू तेलुगु वर्जन एंड एन आइडियोलॉजी बुक ऑथर्ड बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लेट S. जयपाल रेड्डी ऑन द इवेंट ऑफ फर्स्ट डेथ ऑन द इवेंट ऑफ हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी।
एन ई बुक टाइटल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज फॉर यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियर एडिक्शन हैज बीन रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन. द ई बुक एम्स टू टैकल सब्सटेंस अब्यूज एंड बिहेवियर एडिक्शन इन द कंट्री. एक ये ई बुक है, ये ई बुक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस. जो भी ये जो ई बुक है इसको रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन. इन्होंने ये ई बुक को रिलीज़ किया है और इस ई बुक में जो भी कह सकते हैं जो भी एडिक्शंस होते हैं, जो भी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं, उसका जो है टैकल करने के तरीके हैं इस बुक में. इस ई बुक में इंडिया में उसको टैकल करने की बात कही गई है. इस ई बुक में उसका रिलीज किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने. ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं. अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली. बांग्लादेशी पेसर काजी अनीक इस्लाम हैज बीन हैंडेड अ 2-year बैन बाय द नेशनल क्रिकेट बोर्ड फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट इन 2018 एंड 2018. एक डोप टेस्ट हुआ था 2018 में जो इन ये फेल कर गए हैं. इनके बॉडी में एक सब्सटेंस पाया गया है जो कि जिसकी वजह से ये क्या हुए हैं, डोपिंग टेस्ट फेल कर गए हैं. इनका नाम है काजी अनीक इस्लाम और ये क्या है, क्रिकेट, ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं, क्रिकेट खेलते हैं और ये बांग्लादेशी पेसर है. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं कि ये लोग डायरेक्ट नाम दे देते हैं कि दिस पर्सन वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली एंड ही और शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, या ये पर्सन न्यूज़ में रहे हैं, ये किस स्पोर्ट से, कौन से खेल से संबंधित हैं. तो काजी अनीक इस्लाम ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ये बांग्लादेशी पेसर हैं. रजत भाटिया अ स्टॉलवर्ट इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम, यानी कि ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से. ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, बेसिकली दिल्ली की तरफ से खेलते थे मोस्टली, और ये जो है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और ये नाम है इनका रजत भाटिया और इन्होंने संन्यास ले लिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से. सारे फॉर्म क्रिकेट के सारे फॉर्म से इन्होंने संन्यास ले लिया है. डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट प्लेयर थे, नाम है रजत भाटिया. At the part of its effort to improve connectivity, Beijing-based multilateral funding agency Asian Infrastructure Investment Bank is looking to provide loans worth $3 billion for various large infrastructure projects, including Delhi and Meerut Rapid Rail, Mumbai Metro Rail and Chennai Peripheral Ring Road project over the next 12 months. बात ये की जा रही है जिससे कि connectivity को improve किया जा सके. तो ये Beijing-based है मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग. और इसका क्या किया, आप क्या बात कर रहे हैं कि ये AIIB प्रोवाइड करेगी, कितने का लोन प्रोवाइड करेगी, $3 billion का लोन प्रोवाइड करेगी जिससे कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा. और ये इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे, दिल्ली एंड मेरठ रैपिड रेल, मुंबई मेट्रो रेल और चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए. इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए AIIB जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $3 billion जो है का फाइनेंशियल असिस्टेंस या $3 billion का लोन प्रोवाइड करेगी. अच्छा, AIIB के बात करें तो इसका जो है हेडक्वार्टर होता है बीजिंग में और AIIB ने हाल ही में AIIB के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है जिन लिंकन को री इलेक्ट किया गया द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ये भी इसीलिए इनके प्रेसिडेंट का नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इंडियन ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा फिनिश्ड सेकेंड इन द रैपिड सेक्शन ऑफ 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड. यू ऑल्सो वन द क्लासिकल चेस राउंड. क्लासिकल चेस राउंड में तो ये जीते और जो ओवरऑल सेकेंड रहे ये रैपिड सेक्शन ऑफ 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसमें ओवरऑल में सेकेंड रहे और जो है क्लासिकल चेस राउंड तो ये जीते ही थे, वन किए थे. और इनका नाम है, ये इंडियन ग्रैंड मास्टर चेस से रिलेटेड नाम है पी हरिकृष्णा आंध्र प्रदेश से हैं ये. और इन्होंने जो, और अगर हम लोग चेस की बात करते हैं तो हाल ही में 66th ग्रैंड मास्टर बने जी आकाश जो कि चेन्नई से थे और इनका नाम है पी हरिकृष्णा, ये आंध्र प्रदेश से हैं, ये भी चेस से रिलेटेड है और ये ओवरऑल सेकंड आए 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था और क्लासिकल चेस राउंड में ये जीते.
सोमेंद्रनाथ मित्र प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी हैज पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज 78। सोमेंद्रनाथ मित्र ये क्या है, प्रेसिडेंट थे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है सोमेंद्रनाथ मित्र और इनका हाल ही में निधन हो गया एंड ये 78 ईयर्स के थे। फिनटेक कंपनी मोबीक्विक हैज लॉन्च्ड mpay.me UPI पेमेंट लिंक सर्विस टू सेंड एंड रिसीव मनी फ्रॉम UPI पेमेंट ऐप। UPI पेमेंट ऐप से मनी सेंड करने के लिए और मनी रिसीव करने के लिए क्या बात कही गई है, अभी UPI ये मोबीक्विक फिनटेक कंपनी है मोबीक्विक, इन्होंने mpay.me इसको लॉन्च किया है। ये एक UPI पेमेंट लिंक सर्विस रहेगा जो कि जिसके थ्रू मनी भेजने में और मनी रिसीव करने में UPI पेमेंट ऐप के थ्रू इसके थ्रू आसानी रहेगी। इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, नाम है mpay.me। इंग्लैंड वन द थर्ड एंड फाइनल विजडन ट्रॉफी टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड ने थर्ड एंड फाइनल विजडन ट्रॉफी टेस्ट मैच जो है ये जीत लिया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन July 30। कल के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ये कब मनाया जाता है, 30th of July को मनाया जाता है। और इंडिया में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है 1st Sunday of August को, तो जो अगस्त का पहला संडे होता है वो एज अ फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है इंडिया में, और जो July 30 को मनाया गया वो था इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, कल हम लोग फिर आएंगे कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको लेके। थैंक यू।